हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं जिसको मैं बोलता हूं टॉपिक ऑन डिमांड। अगर आपके तो आप मैं तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे पेजेस पे शिवम सानी ऑफिशियल एंड थिंकिंग कॉमर्स पे। ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई स्टूडेंट्स, फॉर योर सपोर्ट आप कर रहे हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज एंड फॉर योर सपोर्ट। आप लोग को कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो फॉर क्लास 11 एंड 12, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकती हूँ फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर विद नेम गाइडिंग गाइड क्लासेस। वेलकम बैक टू माय चैनल थिंकिंग कॉमर्स। मैं हूँ शिवम सानी एंड मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ जिसको मैं बोलता हूँ टॉपिक ऑन डिमांड। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स इकोनॉमिक बिजनेस को लेके, सो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे पेजेस पे शिवम सानी ऑफिशियल एंड थिंकिंग कॉमर्स पे आप मेरे को डीएम करिए। अगली वीडियो आई विल ट्राई टू मेक ऑन योर टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है अभी तक, जो सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, शेयर आप कर रहे हो, वीडियोस का व्यू कर रहे हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियोस एंड फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सारे कॉन्टेंट देखना, अच्छा लगता है, वीडियो सही लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो ही सब्सक्राइब करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सब्सक्राइब करना ही है। लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इफ़ यू फील लाइक वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये जानने के लिए 84th वाले पे आइए। है एबीसी पार्टनर्स से 3:2:1 के लिए। With capital of 70, 60 and 40, D is admitted for 1/4 share which he acquired 1/8 from A and 1/8 from B. D is bring 60,000 as his capital and 32 for his share of goodwill in cash. 3/4 of the amount of goodwill was withdrawn by A and B. The capital of the partners to be adjusted in a D's capital ratio. So, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है? आपको जनरी पास करनी है, कैपिटल्स भी बनाने हैं और कैश अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पे आपको सारी चीजें बनानी है। सो विल स्टार्ट विद योर न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो डी एडमिट हो रहा है वो 1/4 के लिए हो रहा है एंड ये ए से 1/8 ले रहा है, बी से 1/8 ले रहा है। तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। A's new share equals to old कितना इसके बाद 3/6 कितना दे दिया 1/8। B's new equals to B के पास कितना 2/6 कितना दे दिया 1/8। C ने तो 1/6 ही उसको दिए नहीं और D को कितना मिल रहा है 1/4। LCM 24 12-3 8-3 4/24 6/24 ये हो गया 9/24, ये हो गया 5/24। सो न्यू रेशियो के 9:5:4:6 ये आपको न्यू रेशो आ गया 9:5:4:6। सो हम क्या कर सकते हैं? हम नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस से फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। सो न्यू पार्टनर एज डी जो आ रहा है वो 60,000 रुपीज एज एस कैपिटल आ रहा है। सो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल फर्म्स कैपिटल इक्वल्स टू ऑपोजिट कर देंगे जितना शेयर था इसका 60,000 × जिसका शेयर है 1/4, तो ये हो जाएगा 4/1। इससे फर्म की निकल जाएगी कैपिटल, दैट इज 2,40,000। आप क्या करना है आपका? सिंपल, इसको न्यू रेशियो में हम बांट देंगे ताकि हमें सबकी नई कैपिटल्स पता चल जाए। सो ए का बी सी डी इन चारों की कैपिटल्स निकाल लीजिए न्यू रेशियो बांट के। न्यू रेशियो हम अभी निकाल चुके हैं 9546।
90,000, 50,000, 40,000 and 60,000. सिंपल हमने क्या कर दिया भाई, 2,40,000 इंटू 9/24, तो 24 से तो सीधा हो गया, सीधा 90 आ गया. ऐसे 2,40,000 इंटू 5/24, 40 इंटू 4/24 एंड सो ऑन, ये आपके पास नई कैपिटल्स आ जाएंगी. अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल से. सो आप एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए. कितने पार्टनर्स का? 4 पार्टनर्स का बनाना. कॉलम्स बहुत छोटे छोटे कर सकते हो, अमाउंट फिक्स कर लेना उसमें. सो विल स्टार्ट विद द बैलेंसेस. माय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंसेस कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 70, 60, 40. बैलेंस शीट तो दे नहीं रखे तो कोई रिजर्व है उनसे कोई मतलब ही नहीं है. रिवैल्यूएशन है नहीं इसमें. सीधा हमारा जाता है डी की कैपिटल पे. डी कितने रुपये लेके आ रहा है? 60,000 एज एस कैपिटल लेके आ रहा है. सो बाय कैश 60,000 डी में. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल के भी पैसे लेके आया था. कितने रुपये लेके आया गुडविल के? ये 32,000 रुपीज लेके आया है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालना है आपको. अब आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो दे रखा है वो 1/8 है, तो ये तो 1:1 का हो गया. सो 32,000 रुपीज को आप क्या करोगे? इक्वली बांट दोगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ उसको मिलेगा. तो 16,000 ए और बी को दिए जाएंगे दोनों को, 32 का आधा. उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका हाफ सॉरी 3/4 विड्रॉल कर लिया गया, तो 2 कैश के नाम से आ जाएगा. 12,000 ए ने निकाल लिए, 12,000 बी ने निकाल लिया, बस. और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. इसका टोटल करके बैलेंसेस निकालिए. इसका टोटल करके बैलेंसेस निकाल लेते हैं. योग 86,000, 76,000, 40,000, 60,000. अब यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन. 74,000, 64,000, 40,000 and 60,000. इन बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लीजिए. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 74, 64, 40 and 60. नए बैलेंसेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये थे न्यू कैपिटल्स. तो ये किसके नाम से आ जाएंगी? ये आ जाएंगी टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से. ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं नई कैपिटल जो बैलेंस शीट में जाती हैं. 90, 50, 40, 60. 90,000, 50,000, 40,000, 60,000. क्या कर दो? टोटल कर दो.
तभी पता चलेगा कि विड्रॉल करना है या एडिशन करना है। 90-74 कौन बड़ा, 90 बड़ा तो दोनों से 90 आएगा। फिफ्टी 64 कौन बड़ा, 64 बड़ा तो दोनों साइड 64 आएगा। 40-40 दोनों सेम है, 60-60 भी दोनों सेम है। अब चेक करते हैं किसका विड्रॉल है किसका एडिशन है। भाई कैपिटल होनी चाहिए 90, अब चेक कर लो 90-90-50-64, भाई 14,000 रुपीज की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो हमने 40 लिख दिया। किसके नाम से, टू कैश, 40-60-40-60, 74-90, 16,000 रुपये से शॉर्टेज है बाय कैश, 64-64-40-40-60-60। सो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। कोई डाउट इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसकी जर्नल्स अगर पूछते हैं, ये लोग कह रहे हैं जर्नल्स बनाने के लिए, तो जर्नल्स में सबसे पहले जर्नल आप कौन सी करोगे, डी की, जो डी कैश लेके आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो एक कैपिटल कितनी लेके आया है, 60,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया था ये, एंड 32,000 रुपीज की गुडविल, 92,000 रुपीज की टोटल कैश लेके आया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 32,000 रुपीज को इसने इक्वली बांट दिया 16-16, क्योंकि गुडविल हमेशा कौन से रेशियो में बांटी जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 1:1, ये हमने ऑलरेडी यहाँ से देखा था, 1:8, 1:8 डेट इज 1:1 का रेशियो है। तीसरी एंट्री आप क्या करोगे इस गुडविल को कैश के विड्रॉल करने की, सो ए बी टू कैश, 3/4 अमाउंट इन्होंने विड्रॉल कर लिया था ना, 12,000 24,000 का विड्रॉल हो गया था। चौथी एंट्री अब ये देखोगे कौन कैश लेके आ रहा है कौन कैश निकाल रहा है, यहाँ पे बी विड्रॉल कर रहा है तो बी टू कैश, कितने रुपए का बी ने विड्रॉल करा, 14,000 रुपीज का। फिफ्थ लेके कैश एडिशन कौन कर रहा है, ए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए का एडिशन हुआ, 16,000 रुपए का। सो दीज आर योर जर्नल एंट्रीज विद न्यू पीएसआर, न्यू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 84। कोई डाउट इस पूरे क्वेश्चन में, ये भी एक इंपॉर्टेंट वॉचिंग फ्री की कॉमर्स, अगर आप बेट से कनेक्टेड रहना चाहते हो सो आप मेरे को फॉलोअप कर सकते हो शिवम सानी ऑफिशियल पेज पे फेसबुक के, या फिर इंस्टाग्राम पे शिवम सानी ऑफिशियल, या फिर फ्रीकिंग कॉमर्स वाले पेज पे मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरे को वहाँ पे फॉलोअप कर सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप मेरी कोचिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जो गाइडिंग लाइट क्लासेस के नाम से मिलेगी आपको गूगल प्ले स्टोर पे। और बाकी कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट्स लगते हैं कभी भी किसी भी टाइम, आप मेरे को व्हाट्सएप पे, नंबर नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फेसबुक के मैसेंजर में मैसेज कर सकते हो, या कोचिंग एप्लीकेशन है नहीं तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्री की कॉमर्स, प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, एंड मैं आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू।